बात आप लोगों को भी पता है कि ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है, और इस ये किन लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है ये भी आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, आज हमारी बैठक हुई थी और उसमें मैं भी शामिल हुआ था, तो हमारे जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी को इस बारे में अधिकृत किया गया है कि वो पार्टी के कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि ये जिस तरह आज शुरुआत हुई, आगे हमारे और कार्यकर्ताओं पे अगर इसी तरह की कार्रवाई होगी तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर खड़ी रहेगी। ये मेरा मामला नहीं है और ना मैं इस तरह का कोई कार्य चाहता हूँ कि पार्टी इस तरह से कोई मेरे लिए व्यक्तिगत करे, लेकिन हाँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अब हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम लड़ेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं पर द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में पार्टी रणनीति बना रही है। ग्वालियर महानगर में क्रमबद्ध आंदोलन किया जाएगा और जैसा कि कहा जा रहा है कि हाँ, जो उत्तराधिकारी सिंधिया जी के इशारे पर कांग्रेस के एक एक नेता को और एक एक कार्यकर्ता को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनके साथ वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में नहीं गए, इस बात को लेकर प्रताड़ित करने की कार्रवाई शुरू की गई है। इसकी प्रथम चरण में ये कार्रवाई हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह के ऊपर की गई है और आने वाले समय में सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता को टारगेट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से सभी एकजुट होकर इस कार्रवाई का विरोध करती है, निंदा करती है और आने वाले समय में